टाटा की ग्रेविटास अब नए इंजन स्पेसिफिकेशन साथ में है, ऑटोमेटिक भी आ गया है, क्या कीमत रहेगी, किस तरह से रहेगी ये कार, देखने में कैसी है, ये सारी बातें होती हैं अपने इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कि यह कार देखने में कैसी है। तो एक्सटीरियर पे निगाह रखी जाए तो यह डिजाइन ग्रिल में माइनर से चेंजेस आ गए हैं, यहाँ पर आपको क्रोम के एक्सेंट्स मिल गए, भीतर इसमें पियानो फिनिश है और यह जो सेटिन फिनिश दे रखी गई काफी बेहतर लग रही है, वही अपने पुराने TRL जिसमें कि इंडिकेटर्स दे रखे गए हैं, प्रोजेक्शन हेडलैम्प और हाई बीम के लिए हेलोजन हेडलैम्प और ये आपके फॉग लैम्प्स हैं, बिल्कुल वही सेम डिजाइन है, बस यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल दिख रहा है। यह भी डिजाइन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ गया है ओवरऑल, लेकिन जो मेन स्टिल हॉट डिजाइन है वह अभी भी वही बना हुआ है, यह एंगुलर शेप आज भी वैसे ही है और इसी वजह से इस कार को लोग काफी पसंद कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल से कैसी लग रही है कार। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड में काफी अच्छी लग रही है, बड़े से व्हील आर्च इसको काफी मस्कुलर बनाते हैं, यहाँ पर ब्लैक क्लैडिंग दे रखी गई है और 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ में है, जो नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स काफी बेहतर लग रहे हैं। 235/60/18 के टायर प्रोफाइल दे रखी गई है, यहाँ भी ब्लैक कलर की क्लैडिंग है जो मस्कुलर फील करा रही है, बड़ी साइज के आउटसाइड रियर व्यू मिरर LED इंडिकेटर्स के साथ आते हैं जो पीछे का भी अच्छा व्यू देते हैं, बस प्रॉब्लम यह है कि उस तरफ आपको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, शायद उस पर कुछ काम किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जो क्रोम की लाइनिंग है ये बहुत अच्छी लगती है और ये पीछे तक चली जाती है जो इसको काफ़ी अपीलिंग बनाती है, यहीं पे आपको रिवर्स सेंसर मिलता है और बॉडी कलर में डोर हैंडल्स है लेकिन क्रोम की लाइनिंग है जो एक्चुअल में और हैंडल्स को बाहर की तरफ पॉपअप करती हुई दिखती है। पियानो ब्लैकआउट बी पिलर और सी प्लस है, जबकि यह बिल्कुल नई डिजाइन की रूफ रेल दे रखी गई है जो कि यहाँ आकर बदल के भीतर आ जाती है, यानी यह हिस्सा इंक्रीज करते समय यहाँ पर एक नई डिजाइन भी ऐड कर दी गई है। अब बैक साइड पे आया जाए तो यहाँ की स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, यह जो रियर लैंप है यह बिल्कुल बदले हुए से लगते हैं, दो हिस्सों में बटे हुए। अब बैक प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो जो ये लाइटिंग है ये काफ़ी बिल्कुल बदली हुई है, अगर आप पुरानी हैरियर से ध्यान में रखें तो ये डिजाइन वहाँ आपको नहीं मिलता, यहाँ ये नई डिजाइन ये 3 स्ट्रिप में है और इधर 2 स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यह पियानो फिनिश लगातार कंटिन्यू चली जा रही है, यहीं पर आपको रियर कैमरा मिल जाता है और टाटा का बड़ा सा लोगो जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको ग्रेविटास की बैजिंग मिलती है हैरियर की जगह पर क्योंकि यह 6 सीटर कॉन्सेप्ट है और ये एल्यूमिनियम क्रोम फिनिश में लाइन दे रखी है जो ये बताता है कि ये अंडर रेटेड कार ना समझे ऐसे अंडर लाइन की वजह से, और यह एल्युमिनियम कलर में प्लास्टिक की क्लैड है और यह ब्लैक कलर थोड़ा मस्कुलर दिखाने को इसके लिए पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसमें 6 सीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 80 लीटर्स के आसपास, 70-80 लीटर्स के आसपास दिखता है, लेकिन जब आप सीट्स को अगर बैक सीट्स में बात किया जाए, अगर इनको फ्लैट करते हैं तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है पुश होने के बाद और ये काफ़ी बेहतर लगता है, फिर लगता है कि इसमें लगभग आपको 500 प्लस लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा जो अगर आप इसको पुश करते हैं तो, और यह कंप्लीट फ्लैट बेड बन जाता है। बंद करने का तरीका वही पुराना है जो हैरियर में मौजूद था आपको, और हाँ ये आपको स्पॉइलर मिलता है जिसपे कि आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफॉगर वाइपर मौजूद है बैक साइड में। अब अंदर से देखते हैं कार कैसी है। फ्रंट सीट्स की बात किया तो सीट्स तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं जैसा कि हैरियर में थी, बस कलर कॉम्बिनेशन बदल गया है। आपको अगर मैं एक सीधा सीधा हिंट दूं कि अगर आपको हैरियर को और खूबसूरत बनाना है जो पहले से खूबसूरत है तो बन जाती है ग्रेविटास। हाँ बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल नई डिजाइन के हैं, यहाँ पर कुछ एक अलग तरह के एलिमेंट्स दिखते हैं, यह है आपको इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शन, इस तरफ ऑडियो कंट्रोल्स हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है, बस कलर कॉम्बिनेशन बदल गया है। यह फिनिश जो है यह अब बर्न्ड उड की फिनिश में आ गई है, जबकि ये बहुत अच्छा मटेरियल है और सॉफ्ट टच भी है और यहीं पर आपको एयरबैग्स और यह डल एल्युमिनियम फिनिश में है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का मैटर है जो फिनिशिंग में थोड़ा सा इशू अभी भी है। ग्लो बॉक्स काफ़ी अच्छा है और यह काफ़ी नीट बना हुआ है, गुड जॉब। यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पर अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हैं और आपको तीनों कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, हिल असिस्ट के ऑप्शंस हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शंस दे रखे हैं। हाँ अब एक अच्छा काम किया हुआ ये कि अब वो जो बड़े अजीब से एयरप्लेन स्टाइल के हैंडबैग थे उनकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया है और वो भी ऑटो होल्ड के साथ में। यह 6-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स दे रखा गया है जिसमें कि अब आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और मैनुअल शिफ्ट मोड भी मिल जाता है जिसमें प्लस फॉरवर्ड कर सकते हैं और माइनस पीछे, यानी गियर कम करने हैं तो आप पीछे इसको शिफ्ट कर लीजिए।
मुझे यह सीट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, कंफर्टेबल लग रही हैं, और एज यूजुअल यहाँ पर छोटा सा स्पेस भी है, 12 वोल्ट सॉकेट के साथ में है। 12 वोल्ट सॉकेट की थोड़ी सी कमी मुझे लगती है, और जो है वो बड़ी अकवर्ड पोजीशन पे है, जिन्हें आप यूज नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को अभी भी सुधारा नहीं गया है। ये एक माइनस पॉइंट्स है। यहाँ पर आपको हाँ गॉगल होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर है लाइट के साथ में, लेकिन इधर कम से कम टिकट होल्डर्स तो देना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज़ है, वो इत्तेफाक से अभी भी मिसिंग है कार में। एज ए टॉप एंड विथ के तौर पर आपको अभी भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलती है। मैं ये कह सकता हूँ देखने में अब ये पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रही है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM मिलते हैं, जो डे नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। दो बॉटल होल्डर्स यहाँ है, दो यहाँ पर हैं, दो उस साइड है, पीछे भी हैं कई सारी, जो इस कार को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जिन पर और काम हो सकता था या किया जाता तो ज्यादा बेहतर लगता। जो थर्ड रो सीट है, इस पर सीट्स काफी अच्छी हैं, लेकिन बस अंडर थाई नहीं है, क्योंकि नी आपके अप हो जाते हैं, और जो हेडरेस्ट है वह भी एक्चुअल में पीठ पे आ रहा है, शोल्डर्स तक भी नहीं आ पा रहा। अगर आप इसे पूरा उठाएंगे तो शायद यह फिर भी नहीं आ पाएगा। हाँ, आपका हेयर मेरे साथ पूरा ब्रश हो रहा है बॉडी में, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, स्पेशली लंबी हाइट के लोगों के लिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट के आसपास है तो आपको ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल फील होंगी। हाँ, अभी लेग रूम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं सीट के कंपेयर करूँ तो फिर लेग रूम नहीं दिखता है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको पीछे कर रखा था, कम से कम आपको व्यू मिल जाए कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। सीट्स का कलर काफ़ी अच्छा है, एरी फील करा रहा है, ये थोड़ा सा हिस्सा और छोटा लग रहा है, क्योंकि क्लास्ट्रोफोबिक फील कराता है यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ भी एक एसी वेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 6 एयरबैग के ऑप्शंस हैं, इधर लाइट दे रखी गई है, इधर इस एसी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर दे रखा गया है, यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। इंतजाम तो सबका रखा बड़े लोगों के बैठने के लिए, लेकिन बस थोड़ी सी स्पेस और अच्छी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। वजह ये, एक तो नी अप हो रहा है, दूसरा हेयर ब्रश कर रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ बच्चों के लिए सीट सूटेबल है, बड़ों के लिए तो बिल्कुल नो। अब देखते हैं ये फ्रंट वाली सीट्स कैसी हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो की बात की जाए तो सेकेंड रो में स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतर है, और रही बात इसकी पैरों के फैलाने की, जगह भी ठीक ठाक सी है, नीचे थोड़ा मोटर टकरा रही है जो इसके लिए दी गई है, और रही बात मोटर या कुछ और चीज़ है, नीचे कुछ और टकरा रहा है लेकिन पता नहीं पड़ रहा वो क्या चीज़ है। सीट्स को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन इस समय फुली बैकवर्ड है, यानी इससे पीछे नहीं जा सकती है। और रही बात एसी वेंट्स की, तो वो आपको इस पर मिलते हैं बी प्लस के ऊपर, यहाँ JBL के स्पीकर्स हैं, इस तरफ डोर हैंडल दे रखा गया है, यह हैंडल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हालांकि आपने इसे हैरियर में भी देखा है, लेकिन यहाँ थोड़े अलग तरह की फिनिश में है, और मुझे हैरियर के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। सीट्स का कलर काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट्स भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मोटे लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि सीटें काफ़ी पतली हैं। आपको आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन आर्मरेस्ट भी यही बताता है कि इसकी एक्चुअल में ऊंचाई ये होनी चाहिए, और यह इतना नीचे है तो आप ऐसे झुक के बैठना पड़ेगा अगर आप इस पर टिकते हैं, जबकि इस तरफ बिल्कुल परफेक्ट है। हेडरूम बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के हिसाब से बहुत हेडरूम है। अब आगे देखते हैं आगे की सीट का क्या है। कार के इंजन के बारे में बात किया है, तो इंजन तो वही है, पुराना 2 लीटर इंजन, फीड सोर्स इंजन, लेकिन जो उन्होंने डिट्यून किया था 140 PS की तरफ, वह उसे वापस ले आए हैं ओरिजिनल कंडीशन में 170 PS की तरफ, यानी यह एक अच्छा एप्रिसिएबल पॉइंट है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने पिछली बार, अगर आपने हैरियर के वीडियो को नहीं देखा, तो उसमें मैंने इसी चीज़ के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया था कि ये छेड़खानी क्यों, जैसा जेन्युइन इंजन है वैसे ही दीजिए। चलो वो बात सुनी टाटा मोटर्स ने, और गैरताज में आपको 170 PS वाला ऑप्शंस मिल जाता है, और जो अब यह है 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आई, मेरे हिसाब से अब यह ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा वैल्यू पैकेज बन जाता है, और मेरे हिसाब से लोगों को इस इंजन को ज़्यादा पसंद करना चाहिए। अभी मैं इसकी कोई रिफाइनमेंट के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी इसे चलाया नहीं है, जब चलाऊंगा तभी इसके रिफाइनमेंट के बारे में बात कर पाऊंगा, क्या उस पर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है इस कार का असली मुकाबला किसके साथ है, क्योंकि 6 सीटर में अब हेक्टर प्लस भी आने वाली है, जैसे कि गैवताज मौजूद है, तो क्या हेक्टर प्लस फिर बाजी मार ले जाएगी या गैवताज वापस अपनी पकड़ बना लेगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सोचिए इतनी मेहनत की जा रही है आपके साथ तो एक लाइक
बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़ रिव्यूज़ आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसे नई नई वीडियो पर आपसे बात किया करता हूँ। अगर ऐसी वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में देख नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाना ना भूलें। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस का गुल सीधे टाटा के स्टॉल से ऑटो एक्सपोर्ट 2020 में।